आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जिसे पहले खुद मैंने इस्तेमाल करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था, क्योंकि जब मैं 18 साल का था तो कुछ इस तरह से दिखता और मेरी बाइसेप का जो साइज था वो ये था, मतलब दो उंगलियों जितना मेरा बाइसेप का साइज था, ये साइज था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आने पड़ते थे दोस्तों के या क्लासमेट्स के। तो ये चीज वो बंदा समझ सकता है जो बहुत ज्यादा स्किनी होते हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, वो मैं सब कुछ झेल चुका हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए काम आ सके। तो फ्रेंड्स, जिस डाइट प्लान को मैंने इस्तेमाल किया था, सेम वही डाइट प्लान मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसे इस्तेमाल करके मैं सिर्फ एक साल में कुछ इस तरह से दिखने लगा। मतलब इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद मुझमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका था, आप लोग देख ही रहे हैं। और अभी जो मेरी करंट पोजीशन है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, तो अभी तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके चार पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ और साथ में आपको बताने वाला हूँ अपना एक सीक्रेट। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और इसको फॉलो कर लिया तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपका वेट भी गेन होगा, आपका मसल भी गेन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ डाइट प्लान, जिससे आपका वेट भी गेन होगा और मसल भी गेन। और सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एक सीक्रेट, और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, वो क्या चीज है जिससे जो स्किनी पर्सन होता है उसको कुछ भी डाइट, वो जो मर्जी खा ले उसको लगता ही नहीं है, तो उसका रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ये दूसरे पॉइंट में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। सो थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ 18 ऐसी चीजें जिसको आप इस डाइट के साथ साथ ऐड कर सकते हैं, अगर 18 नहीं तो 17 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 9, 10, जितनी मर्जी आपकी मर्जी है, जितने आप करना चाहे कर सकते हैं, उससे क्या होगा आपको रिजल्ट और भी फास्ट। फोर्थ पॉइंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है, जैसे कुछ लोग दुकानदारी करते हैं, सुबह दुकान पे जाते हैं, शाम को आते हैं, जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो पूरा दिन डाइट को फॉलो कर सके, कस्टमर को अटेंड करना होता है, या कुछ प्राइवेट जॉब्स वाले, या ऐसे जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो ऐसे कुछ लोग, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद उनके पास चाय तक पीने का टाइम नहीं। तो ऐसे लोगों को जिनके पास टाइम ही बहुत कम है, उन लोगों को कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए ताकि वो भी अपना वेट गेन कर सके, मसल गेन कर सके। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको मिस मत करिएगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि नवंबर के महीने में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने वेट लॉस के डाइट प्लान के बारे में बताया था। उस डाइट वीडियो को दिखाने के लिए, आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाने के लिए, मैंने पहले खुद अपना वेट 10 kg तक रिड्यूस किया था फ्रेंड्स, 10 kg। और मतलब आप लोगों ने कभी देखा ऐसा यूट्यूबर जो आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाने के लिए, सिर्फ रिजल्ट्स दिखाने के लिए पहले खुद अपना वेट रिड्यूस करता है, और अभी गेन करने के लिए मैं पहले अपना वेट गेन किया और उसके बाद आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, रिजल्ट्स आप देख रहे हैं वीडियो में। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि इतनी मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज, है ना। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत 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 हिम्मत मिलती है। और वैसे भी जो नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, एक्सरसाइज में आपको बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज करने का ढंग बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोग एक्सरसाइज ही गलत लगाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि वो गेनिंग कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो सब मिक्सअप कर देते हैं, और क्या टेक्निक्स हैं जिनसे आप मसल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर आपने देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको मेरे आने वाला हर वीडियो मिल सके। तो अभी बात करते हैं कि वेट गेन करने के लिए और मसल साइज के लिए आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको 3000 से लेकर 3500 कैलोरीज इनटेक रखना है अपने दिन में। वैसे जब मैंने अपना वेट गेन किया था और मसल गेन किया था तब तो मुझे इन कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 3000 से 3500 तक आप ले सकते हैं। और सबसे पहले जानते हैं ब्रेकफास्ट में आपने क्या लेना है। सो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं 2 banana + 1 glass of milk + 4 pieces of brown bread। इसके साथ आप ऐड करें पीनट बटर, साथ में अखरोट की 10 गिरी। इसके साथ आप ले सकते हैं 1 bowl ऑफ चना, चना आप बॉयल भी ले सकते हैं या सोफ्ट चना भी ले सकते हैं, और साथ में आप ऐड कर सकते हैं 4 खजूर जो कि वेट गेन के लिए बहुत हेल्पफुल है।
पर हफ्ते के 7 दिन एक ही चीज़ लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी और चॉइसेस आपको बता रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, जिसमें आप 3 से 4 चपातीस के साथ ऐड कर सकते हैं 3 whole eggs, या 1 bowl ऑफ पनीर भुर्जी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप 1 bowl मलाई का ले सकते हैं स्मॉल बाउल, या क्रीम ले सकते हैं, या कभी कभी आप 3 परौंठा भी ले सकते हैं, परौंठा स्टफ हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे लगता है कि उनका वेट बिल्कुल सही है, उन्होंने वेट गेन नहीं करना, तो वो लोग परांठा को अवॉइड करें और परांठा की जगह पे अगर आप ओट मील लें तो ज़्यादा बेटर है। तो सेकंड मील आपका रहेगा बनाना शेक, जिसमें आपने यूज़ करने हैं 2 बनाना प्लस मलाई या क्रीम भी इसमें आप डाल। तो नेक्स्ट है आपका मील नंबर 3, जो होगा आपका लंच। लंच में आप ले सकते हैं हाई प्रोटीन फ्रेंच टोस्ट, जिसमें आप डाल सकते हैं फिश, चिकन ब्रेस्ट या चीज़, प्लस पीनट बटर को ज़रूर ऐड। इसके अलावा 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, जो आप बॉयल करके भी ले सकते हैं, रोस्ट भी ले सकते हैं। इसके साथ आप ले सकते हैं 1 bowl किडनी बीन्स प्लस 1 bowl मिक्स वेजिटेबल्स का आप ले सकते हैं, या मटन के साथ 4 चपातीस प्लस कर्ड ले सकते हैं, चिकन रैप प्लस पीनट बटर ले सकते हैं। लेकिन इस डाइट के साथ आपको सैलेड ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि आप सारा दिन कार्ब्स ले रहे हैं और आपको डाइजेस्ट करने के लिए फ़ाइबर की ज़रूरत होगी, तो सबसे जो बेस्ट फाइबर है वो सैलेड है, तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखना है। तो बढ़ते हैं हमने मील 4 की तरफ, यानी मिड डे आफ्टरनून। इसमें आप 6 eggs ले सकते हैं, 6 eggs आपने वाइट पोर्शन लेना है। अगर आपने मॉर्निंग में 3 full eggs ले रखे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ वाइट पोर्शन ही लेंगे, लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में स्किप किए हैं एग को तो आप यहाँ पे 3 full और 3 white पोर्शन ले सकते हैं, या 1 bowl शकरकंदी का भी ले सकते हैं, या 1 bowl आप चना चाट भी ले सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, मिड डे में क्या खाना है, बिफोर एक्सरसाइज। याद हो तो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिसमें आप जो स्किनी लोग होते हैं वो कुछ भी खा लें उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है वो क्या ऐसा रीजन है, और जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ अपना वो भी इसी में ही शामिल है। समझने वाली बात यह है कि बोन्स आप में भी वही है उनमें भी वही है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है मसल साइज में, तो मसल साइज को आपने गेन करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग जो जब पहले मैं भी जैसे मैंने आपको दिखाया मैं बहुत पतला था, कुछ भी खा लूँ मुझे पचता ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं अभी आपको सीक्रेट बता रहे रीजन मैंने बता दिया आपको, अभी मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। तो मैंने जब अपना गेनिंग किया तो मुझे एक चीज मालूम था कि मेरी बॉडी को फैट चाहिए, और वो फैट कहाँ से मिलेगा, तो मुझे मोटी मोटी चीज समझ आती थी फैट मुझे मिलेगा देसी घी से। तो मैंने क्या किया, दलिये में देसी घी के 2 चम्मच डाले, एक बड़ा ग्लास दलिये का लिया उसमें 2 चम्मच देसी घी के डाले, मिक्सअप किया और एक्सरसाइज के बाद पीना शुरू कर दिया। 2 चम्मच तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब मैंने 3 चम्मच किए तो उसमें मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगी। मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, मैंने क्या किया कि जब मैं एक्सरसाइज लगाता था उसके बिटवीन उसको लेना शुरू किया, मतलब मेरे पास 2 डंबल की जोड़ी थी तब, तो मैं आपका सीक्रेट बता रहा हूँ, ये मेरे पास 2 डंबल की जोड़ी थी, तो मैं क्या करता था जैसे बाइसेप आर्म्स का डे है तो आर्म्स लगाए, एक सेट लगाया और सिप लिया, सिप में क्या था दलिया और 3 चम्मच देसी घी के, 3 चम्मच देसी घी के मैंने 3 दिन रखे, 3 दिन रखने के बाद मैंने 4 चम्मच कर दिए, 4 चम्मच मैंने 4 दिन किए, उसके बाद वैसे ही मैं एक्सरसाइज हर सेट के बाद आपने सिप लेना है और गरम गरम, ठीक है, होता क्या देखिए आपकी बॉडी गरम होगी पूरी, आपकी बॉडी पंप होगी पूरी, मसल आप लगा रहे हैं, मसल पूरी एक्सरसाइज चल रही है, पूरा दम लग रहा है आपका, तो जब आप उसको गरम गरम पियेंगे तो वो सीधा आपके मसल में जाएगा, मसल ग्रोथ होगा। तो ऐसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने देसी घी को बढ़ाता गया, इससे मुझे बहुत जल्दी फर्क इस तरह। फिर मैंने 5 चम्मच किए, 5 चम्मच 5 दिन, उसके बाद 6 चम्मच किए हैं देसी घी के दलिये में और वो 6 दिन किए, फिर 7 किए, तो 7 मेरी लिमिट थी, इसके बाद ना इसके ऊपर तो मैं गया ही नहीं, 7 तक मैंने रखे। क्योंकि देखिए आप लोगों ने अपनी बॉडी पे ऐसे टेस्ट करना है, जब भी आपको लगे कि अभी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो उसे स्टॉप कर दो, उसी पे वापस उसी पे आ जाओ जहां पे आपको डाइजेस्ट हो रहा था। तो मेरी लिमिट थी 7 से 8 चम्मच,
जिससे मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ा और मैं घर में एक्सरसाइज लगाता था। तो अगर आप जिम में एक्सरसाइज लगाते हो तो आप जिम में थर्मस में आप कैरी कर सकते हो दलिया लेके जाएं, दलिये में चम्मच डालें देसी घी के, गर्म हो और जब भी आपने उसको पीना हो शेक करके पीना, जरूर इसे शेक करके पीना, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि हर सेट के बाद लगाने के बाद जब आपका पूरा पंप होगा आप उसे लेंगे तो उसको सीधा मसल में जाएगा, देसी घी सीधा मसल में। और अभी आपको चाहिए सबसे ज्यादा फैट, तो गुड फैट है ये, सबसे बेहतर फैट है, देसी घी से ऊपर कुछ नहीं है फ्रेंड्स। नंबर 5 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो है दलिया और देसी घी, जो कि मैं समझता हूँ इस वीडियो का मेन पार्ट है, तो ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना, इसको लेना ही लेना है। अभी बात करते हैं मील नंबर 6 यानी कि आपका पोस्ट वर्कआउट। तो इसमें जिन लोगों ने सप्लीमेंट लेना है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वो आप पोस्ट वर्कआउट में सप्लीमेंट ले सकते हैं। और अगर आपने दलिया प्लस देसी घी ले रखा है तो पोस्ट वर्कआउट में आप दो बनाना ले सकते हैं, या अगर आपने किसी दिन दलिये को भी मिस कर दिया है तो पोस्ट वर्कआउट में आप बनाना शेक ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़े से मलाई या क्रीम डाल के उसे और भी थिक बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने मील नंबर 7 यानी कि डिनर की तरफ। और डिनर में आपने ब्राउन राइस प्लस कर्ड तो लेना ही लेना है, इसके साथ आप चॉइस ले सकते हैं सोया चंक्स या बॉयल चिकन या चिकन ब्रेस्ट या मटन या फिश, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने सैलेड को ज़रूर ऐड करना है। अभी बात करते हैं अपने दिन के लास्ट मील, जो कि है मील नंबर 8 बिफोर बेड्स, यानी सोने से पहले आप ले सकते हैं एक गिलास दूध या एक बाउल दही का। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 18 ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, जो मैंने बताया था 18 ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको और भी बेनिफिट होगा। सो शुरुआत करेंगे एवोकेडो फ्रूट से, क्योंकि एक बड़े एवोकेडो में 322 कैलोरीज होती हैं, जो कि आपके वेट गोल को बहुत जल्दी अचीव करवाएंगे। नेक्स्ट आते हैं एग्स, देन माई फिटनेस का पीनट बटर, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा रेड मीट, मिल्क, चिकन, बनानास। सो नेक्स्ट इज डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट दोस्तों वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली कर लीजिए, ताकि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो मिल सके। सो नेक्स्ट इज योगर्ट, चीज़, होल व्हीट ब्रेड। नेक्स्ट इज ग्रानोला। ग्रानोला के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इस अकेले प्रोडक्ट में ओट्स, नट्स, हनी और पफ्ड राइस और भी बहुत कुछ पड़ा होता है। इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रानोला स्नैक बार। आप इसे स्नैक एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं, और इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो वेट गेन के लिए बहुत बेटर है। इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज होल व्हीट पास्ता, बीन्स, पोटैटोज, ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन सीरियल्स। इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके मंगवा सकते हैं, और चाहे तो इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो मैंने बताया था सप्लीमेंट का। तो वो कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आप इस्तेमाल करके सेम वही रिजल्ट ले सकते हैं, जो डाइट फॉलो करके भी ले सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास टाइम की कमी रहती है, जो लोग पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, या जो किसी भी रीजन से उस डाइट प्लान को नहीं फॉलो कर पा रहे जो मैंने अभी बताया। तो ये सप्लीमेंट है दोस्तों मास गेनर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मास गेनर है क्या। मास गेनर एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें आपको प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स और आपको फैट एक ही सप्लीमेंट में मिल जाते हैं। दो टाइम इस्तेमाल करने से ये ऑलमोस्ट 3000 से 3500 कैलोरीज तक आप आ सकते हैं। मतलब आप देखो नॉर्मल डाइट पे लोगे और साथ में इसको अगर प्लस करोगे तो आप वही टारगेट पे आ जाओगे, 3000 से 3500 कैलोरीज तक आप आसानी से आ सकोगे। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ वही लोग लें जो डाइट को फॉलो नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आप डाइट को फॉलो करोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलने वाले। या ऐसा भी कह सकते हैं ये एक तरह का शॉर्टकट है, जिन लोगों के पास टाइम कम रहता है वो इसको इस्तेमाल करके सेम वही रिजल्ट्स ले सकते हैं जो डाइट प्लान को फॉलो करके ले। तो अभी पॉइंट ये आता है कि कौन सा मास गेनर सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायमेटाइज का सुपर मास गेनर एक आता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जिन लोगों को भी ये रिकमेंड किया उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
और उन लोगों से ही मैंने लिंक मंगवा के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप लोग अगर चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकेगा। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करें तो आप देख रहे हैं इनकी जो सजेस्टेड अमाउंट पर सर्विंग है उसमें 1280 कैलोरीज आपको मिल रही है। अगर आप इसको दो टाइम यूज करते हो तो 2560 कैलोरीज भी ले रहे हो और साथ में 52 ग्राम प्रोटीन आपको एक बार में मिल रहा है। मतलब अगर आप दिन में दो बार ले रहे हो तो 104 ग्राम प्रोटीन भी आपको साथ में मिल रहा है। सो जो लिंक मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप चाहें तो वहाँ से भी बाय करके मंगवा सकते हैं। अदरवाइज मेरा इसमें पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहें तो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जिस पर आपको विश्वास है आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप इसको दो टाइम लेते हो तो इसके साथ एक्सरसाइज जरूर करना, इस बात को प्लीज याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है साइज के, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आपका मसल साइज गेन होगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए जरूरी है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, और साथ में लगी बेल आइकन पर भी घंटी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।